एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पन्ना जिला के शासकीय हाई स्कूल पुरेना का मामला, एक एक करके 8 बच्चियां हुई बीमार, जिससे प्रशासन में मचा हड़कंप, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला संभाग प्रदेश स्तर तक हवा की तरह फैल गई, जिस पर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने संबंधित पीड़ित बच्चियों से हालचाल जाना, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। कार्रवाई यही नहीं रुकी, पवई विधानसभा के लोकप्रिय विधायक प्रहलाद लोधी के अनुविभागीय अधिकारी रचना शर्मा, तहसीलदार श्रीमती कमलेश सिंह राजपूत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप सिंह, SDO KV अग्रवाल सहित स्थानीय प्रशासन भी आज मौके पर पहुंचा, जिसमें स्वास्थ्य मेले भी लगाए गए और विद्यालय में पढ़ रहे सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ML चौधरी सहित स्वास्थ्य विभाग अमला मौजूद रहा। BRC प्रभारी उदयभान सिंह, सहयोगी संतोष भोजपुरिया, अमित श्रीवास्तव सहित स्थानीय प्रशासन में समस्त कर्मचारी वहां पहुंचे और पवई विधायक के साथ उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन इस बात की जन चर्चा का विषय बना हुआ है शिक्षा विभाग के इस तरह लापरवाह रवैया पर निगरानी स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक निगाहें बनाए रखी हैं। तत्काल कार्रवाई करते हुए, देखिए पुरैना हमारा स्कूल है शाहनगर ब्लॉक का, वहाँ पे बच्चियाँ आज वहाँ पे सुबह 10 बजे इनका स्कूल जब खुला तो इनकी वहाँ पे प्रार्थना सभा हुई थी, वहाँ बच्चे लोग लाइन में खड़े थे और इन लोगों का कहना है कि सुबह धूप थी जहाँ PT चल रही थी, PT करते करते इनको थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया तो इनको लगा कि चक्कर आएगा इनको, तो एक आध लड़की वहाँ पर चक्कर खा के बेहोश हो गई, तो उनको टीचर्स वहाँ पे क्लासरूम में ले गए, उनको थोड़ा बहुत मालिश वगैरह की उनको ताकि होश में आ जाए। उसके बाद इन बच्चों को वहाँ शाहनगर हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर ले गए, फिर स्कूल की इसी बीच छुट्टी भी कर दी इन लोगों ने, तो एक दो बच्चियाँ जो घर जा रही थी तो घर उनको भी चक्कर की शिकायत हुई, तो ऐसे कुल 8 बच्चियां थीं जिनको प्रॉब्लम हुई थी। 2 बच्चियों का इलाज हमने आटो को हम शाहनगर में ले गए, वहाँ पे 2 बच्चियों का इलाज हुआ, वो ठीक होकर अपने घर पहुँच चुकी हैं। 6 बच्चियों को डॉक्टरों ने एहतियातन यहाँ पे कटनी जिला अस्पताल में भेजा था, यहाँ ये लोग भी ठीक हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है, केवल डॉक्टरों ने इनको गैस का AC लॉक का दवा दिया है कि शायद सुबह सुबह खाली पेट या जल्दी जल्दी स्कूल ये लोग आ जाते हैं तो उसकी वजह से कुछ इनको समझ। स्कूल में बच्चों ने हमको शिकायत की कि वहाँ पे एक गौतम आठ साहब हैं, वो साइंस पढ़ाते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, बच्चों से प्यार से बात नहीं करते हैं, कभी उनको मारते भी हैं किसी उस पर, तो उनका व्यवहार अनुचित लगा हमको, तो इसलिए उनको निलंबित किया है। और वहाँ पे एक स्थानीय चौकीदार जिसको ये साफ़ सफाई के लिए लोग रखते हैं, उसको भी हमको लगा कि वो बच्चियों के साथ जो है मतलब स्कूल के बच्चों के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं, उसको भी वहाँ से पृथक किया। बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं, ये अभी भी चाहें तो घर जा सकते हैं, लेकिन एहतियातन इनको रात भर हम लोग यहाँ रखें। कल से सारे बच्चों ने कहा कल से अपने स्कूल जाएंगे, किसी में कोई भय नहीं है। बच्चों के खान पान की व्यवस्था के लिए, इनको पौष्टिक आहार देने के लिए कुछ हमने इनको तात्कालिक रूप से राशि भी इनको प्रदान की है मैंने, और लगातार हमारे SDM और तहसीलदार और हम लोग इनको मॉनिटर करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने बच्चों को खान पान 2-2 हज़ार रुपये हमने इनके पालकों को दिया है और 1-2 बच्चों के कुछ और मांग है तो वो भी हम करेंगे। स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था की बात की थी बच्चों ने, तो पानी की व्यवस्था भी कल से पंचायत सरपंच वहाँ पे कर देंगे।